दोनों साथ ही साथ लेटे थे। सर हम अपनी बीवी के साथ में लेटे थे, सुबह 4 बजे के करीब दरोगा जी ने हमारी रजाई पलट के। कौन दरोगा जी का? विपिन। चौकी इंचार्ज बिजुआ विपिन कुमार कानून को रखते हैं जूते की नोक पर, खुद को समझते हैं जिले के एसपी, नहीं है सिंघम एसपी श्री विजय डुलकाडर। कोतवाली भीरा के अंतर्गत चौकी बिजुआ में पुलिस की गुंडागर्दी आए दिनों सामने आती देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के जिला खीरी के अंतर्गत आने वाली चौकी बिजुआ में पुलिस की गुंडागर्दी इन दिनों आम हो गई है। खाकी वर्दी के नशे में पुलिस कर्मी किसको पीट दे या कब पीट दे या कब झूठा मुकदमा लिख दे किसी को नहीं पता। आपको बताते चलें कि चौकी इंचार्ज विपिन कुमार अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए सुबह लगभग 4 बजे पहुंच जाते हैं अपने दलबल के साथ ग्राम सभा बस्तौली में मजदूर संदीप कुमार के घर पर, जो कि हरिजन जाति का है, और सुबह वो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ होता है। उसी समय चौकी इंचार्ज उसके घर में घुस जाते हैं। घुसते ही पूछते हैं कि संदीप कहाँ है। घर के लोग सोए हुए होते हैं, तभी घर का एक सदस्य कहता है कि वो सो रहे हैं। अंदर घुसकर वो उसकी रजाई फेंक देते हैं। संदीप कुमार और उसकी पत्नी जो कि आधे कपड़ों में सोए हुए थे, पुलिस टीम इसका लिहाज न करके एक नीची जाति का व्यक्ति समझकर वहीं उसको मारने पीटने लगते हैं। वो एकदम डर जाता है और उसको पकड़कर पुलिस जीप में डाल देते हैं। उसके घर का एक सदस्य संदीप कुमार के कपड़े लेकर आता है, संदीप कुमार को कपड़े देता है। पुलिस अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करके उसे चौकी पर लाकर लातों घूसों और जूतों से डंडों से पिटाई करती है। फिर उसे उठाकर भीरा कोतवाली में लॉकर बंद कर दिया जाता है। संदीप कुमार के घर में एकदम मातम जैसा छा जाता है कि ये अचानक कौन सी मुसीबत आन पड़ी। सभी घर के सदस्य दौड़े दौड़े पुलिस चौकी बिजुआ आते हैं। वहां काफी पूछने के बाद पता चलता है कि उसे भीरा कोतवाली ले गए हैं। जब तक संदीप कुमार के घर वाले भीरा कोतवाली आते हैं, तब तक भीरा कोतवाली की सम्मानित पुलिस संदीप कुमार पर झूठा मुकदमा दारू निकालने के संबंध में पंजीकृत कर चुकी होती है। सुनिए संदीप कुमार की जुबान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय कोतवाली भीरा के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जो तहसील पलिया जिला खीरी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक पुलिस चौकी पड़ती है बिजुआ का, जिसमें आए दिन कई शिकायतें रहती हैं, जो अपनी दबंगई पे पूरी तरीका से वहाँ पे चौकी इंचार्ज उतारू हैं, जिसका जीता जाता सबूत आपके सामने है मौजूद। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। संदीप कुमार। किस गांव से आए हैं आप? बस्तौली से सर। बस्तौली से। क्या दिक्कत हुई आपको? सर हम अपनी बीवी के साथ में लेटे थे, सुबह 4 बजे के करीब दरोगा जी ने गया हमारी रजाई पलट के। कौन दरोगा जी का? विपिन। विपिन कौन है, ये कहाँ के हैं? ये चौकी बिजुआ के इंचार्ज हैं जी। ये रजाई पलट के फिर हमको उठा लिया। हम लोग बीवी और हम दोनों साथ ही साथ लेटे थे, उठा के फिर इन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। वहाँ से चौकी लाया, चौकी से थाने में आया, वहाँ भी मारा। चौकी पे आपको मारा है जी? चौकी पे पटे से मारा है जी। क्या जुर्म था आपका? कुछ नहीं सर, हमारे व्यवहार ना कोई FIR है, ना कोई शिकायत है, ना कुछ भी, कुछ नहीं है सर। बस ऐसे ही उठा लाए जी? हम मजदूरी करते खाते हैं, गरीब आदमी है सर। फिर इसके बाद जब भीरा उठा के लाए, फिर क्या हुआ? फिर इनके सिपाहियों ने हमें मारा। फिर उसके बाद में ये जवान करवा के अभी लाए। अच्छा, आपने मुकदमा लिख दिया जी? किस प्रकरण में मुकदमा लिखा है सर? दारू का मुकदमा लगा दिया जी। अच्छा, इसके बारे में आपके घर वाले चौकी इंचार्ज से बात किए हैं? सर हमारे पापा यहाँ नहीं रहते। पापा नहीं रहते, आप अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं सर। ये कोई विवाद था पहले का? नहीं। ठीक है, शुक्रिया। देख लिया कि कैसे अपना पुलिस मनमानी करती हुई है, जिसपे आए दिन भीरा प्रकरण का मामला चलता रहा है, लेकिन चौकी इंचार्ज बिजुआ जो कि अपनी दबंगई पर पूरी तरीके से उतारू हैं, अभी तक किसी बात का निर्णय नहीं ले पाए हैं। पूछने पर भी वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। नहीं थम रही है बिजुआ चौकी इंचार्ज विपिन कुमार की गुंडागर्दी। अब देखना यह है कि क्या सिंघम SP खीरी गरीब असहाय मजदूर संदीप कुमार जैसे हजारों नागरिकों को इंसाफ दिला पाएंगे। गौतम दीक्षित की रिपोर्ट।